स्क्रीन शेयरिंग का अगर दे दे प्लीज। स्टूडेंट्स अगर मुझे ये बता दें कि किन किन ने काम स्टार्ट किया हुआ है, किसी को अभी ऑर्डर मिला है नहीं मिला है, या प्रॉपर उनका हो काम के नहीं हुआ, जिन जिनका हुआ हुआ है ना, या जिनको कोई इशू आ रहा है, चलो जिनका पहले वो बताए जिनका हुआ है, वो जरा हैंड रेस कर ले जरा, मुझे पता तो चले कि कितने दिनों ने काम किया हुआ है कुछ, मतलब मैं पता तो चले। क्या चीज है, अब इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, ठीक है, उसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है कि अभी हम लोग ऑर्डर्स पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब ऑर्डर आपको जो है ना, आप अपने ऑर्डर लेने हैं फिर उसको डिलीवर करना है, और दूसरा जो चीज है कि हम लोगों ने अब जो है ना अपने वो जो अकाउंट है ना वो साथ में हम लोगों ने अब ऐड करना है, ठीक है, जैसे आपको पेपाल के अकाउंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए अप्लाई वो भी जो है ना हम लोगों ने करना है, और साथ साथ में हम लोगों ने अभी जो है ना दूसरा एक है अपवर्क उसकी या फ्रीलांसर, इन दोनों में से हम लोग एक चीज के ऊपर भी मूव करेंगे, ठीक है, तो ये और वो आप पैरेलल लेके जाएंगे, ठीक है, इसमें जो फिर फायदे हैं और जो चीजें हैं फिर वो मैं आपको साथ में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी जो है ना फॉर नाउ मैं ये एक कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना अभी काम स्टार्ट किया है कि नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग अभी और टूल्स के ऊपर भी मूव करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग जो है ना यूट्यूब के ऊपर भी सोच रहे हैं कि आपने यूट्यूब के ऊपर भी काम करना है, ठीक है, आप किसी और की वीडियो उठा के भी आप यूट्यूब पे अपलोड करते तो किस तरह करते, ठीक है, अब चीजें हम लोग थोड़ी सी ना ब्रॉड करेंगे, ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ फाइवर के ऊपर काम किया है, सिर्फ हमने मतलब इतना भी अभी हम लोग मतलब डीप नहीं गए, ठीक है, अभी हम लोग डीप जाएंगे और बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोगों ने करनी है, तो मुझे ये बता दे कि अभी तक अगर किसी को जो है ना अभी तक जो है हम लोग कोई फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या सुन से यहाँ तक अभी है कि नहीं है, या हम और आगे जाएं या ना जाएं, अब हमें मतलब पता तो होना चाहिए ना, तो आप बता दें जितने स्टूडेंट ने यहाँ तक काम किया कि मतलब उनका अकाउंट बन गया है, उन्होंने गिग्स क्रिएशन कर ली, ठीक है, आगे अब हम लोग फिर करते हैं। हाँ जी, फाखरा को जरा अगर आप अनम्यूट कर दीजिए। आपको ना एक प्रॉपर पूरा अभी तक जितना काम हुआ है ना उसके ऊपर एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्रिएशन आपको करा रहा हूँ, ठीक है, और उससे पहले जो काम है वो तकरीबन आप सबको पता है कि कैटेगरीज क्या है, फायर के ऊपर आप लोगों ने लॉग इन किस तरह करना है, आप लोगों ने साइनअप किस तरह करना है, वो सब कुछ तकरीबन सबको पता है, ठीक है, जो मसला आ रहा है वो क्रिएशन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हम लोगों ने किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है, या हम कैटेगरीज का तकरीबन सबको आइडिया होगा, कैटेगरीज हम लोगों ने बहुत दफा डिस्कस किया, गिग क्रिएशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन चले खैर कोई नहीं, अभी मैं आपको ना प्रॉपर एक गिग क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैटेगरीज आप लोगों ने अगर नहीं पता आप लोगों को, ठीक है, तो जो SIC का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वीडियोस अपलोड भी है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो चलिए मैं थोड़ा सा मतलब एक जो है ना वो हल्का हल्का ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है आपको। अच्छा, बेसिकली फावर क्या है, फावर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, अर्निंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं, अगर आपको कोई काम आता है और आपको अच्छे से आता है, ठीक है, इवन अगर आप जो है ना बिगिनर लेवल पर भी है, लेकिन अगर आप उस काम में अच्छे हैं तो आप यहाँ पर जो है ना वो काम कर सकते हैं, ठीक है, अब जो है ना इसमें कैटेगरीज क्या क्या है, जैसे ग्राफिक एंड डिजाइन, ग्राफिक एंड डिजाइन के अंदर देखेंगे इधर बहुत मल्टीपल कैटेगरीज है, ठीक है, सिर्फ ग्राफिक एंड डिजाइन में ये चीज नहीं है कि आपने पोस्टर क्रिएशन करनी है, ठीक है, इसमें बहुत कैटेगरीज है, ठीक है, आप एक दफा इसको वर्क कर ले, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको वो कैटेगरीज का, मैं आपको बता दूंगा, अच्छा सॉरी उसमें पैकेजेस होते हो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है ये आपको अंदाजा अगर नहीं है तो जो है ना इसमें ये चीज होती है कि मतलब जैसे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, या एक कंपनी है, ठीक है, जैसे कि सपोज मैं बात कर लूँ, एक कंपनी है जिनका जो है ना रियल इस्टेट का काम है, जो घर बनाते हैं, ठीक है, उनका वो काम है, अब उन्होंने प्रमोशन करनी है, ठीक है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनकी प्रमोशन करते हैं, जैसे कि अगर आपके इंस्टाग्राम के ऊपर पेजेस है या आप फेसबुक के ऊपर आपके कोई अच्छे खासे पेजेस है जिनके ऊपर अच्छे खासे लाइक आए, ठीक है, तो आप उनको ना SEO या SEM
जनरल मार्केटिंग, आप उनको ये एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो आपको ऑर्डर देते हैं कि मतलब हमारे लिए जो है ना आप इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी प्रमोशन कर दे, ठीक है? तो आप उनसे प्रोडक्ट लेते हो उनकी, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि आप उसका एक डिजाइन बनाते हो, ग्राफिक डिजाइन या जो भी आप बनाते हो, फिर उसके बाद हैशटैग लगा के उसको जो है ना कर देते। लेकिन ये एक बहुत ब्रॉड चीज है, ठीक है? तो इसमें ये कैटेगरीज है, ठीक है? ये देखो मोबाइल मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ है, इसमें आप एक दफा जरूर देखना, ठीक है? जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग, ये सारी चीजें हैं, आप एक दफा देख लेना, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है? राइटिंग एंड ट्रांसलेशन क्या होती है कि आपको, अच्छा मेरी आवाज आ रही है, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा स्लो कर लूँ आवाज, मतलब ज्यादा फास्ट तो नहीं है मेरी। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा जो है ना स्पीड कम कर लेता हूँ। अच्छा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन क्या होती है कि मतलब जो है ना अगर आप राइटिंग में अच्छे हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रामेटिक की भी आपसे मिस्टेक नहीं होती, आप एक चीज को बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे सपोज मैं एक ग्लास की मिसाल ले लूँ, ठीक है? अब एक शीशे का ग्लास है, ठीक है? आपको अब पता है कि मैंने इसको बाकी जो है ना चीज, अगर बाकी ग्लासेस है, आपने इसको ऐसे तरीके से इलेबरेट करना है ना, ठीक है, कि एक बंदा वो कहे कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है? मतलब आप ऐसे एक तरीके से उसको जो है ना डिफाइन कर लो कि मतलब वो उसको पसंद आ जाए, ठीक है? इस तरह की मतलब चीजें हैं, ये कंटेंट राइटिंग की में आती है, ठीक है? इसमें ट्रांसलेशन भी आती है। ट्रांसलेशन क्या होती है कि जो है ना सपोज आपको कोई बंदा एक स्क्रिप्ट देता है, ठीक है, जिसको जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको वो देता है कि आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ठीक है? तो आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हो, या इस तरह और भी मल्टीपल चीजें होती है, ठीक है? फिर इसमें जो है ना रिज्यूमे राइटिंग आप बड़े अच्छे से जानते हैं, जब आप सीवी बनाते हैं या रिज्यूमे बनाते हैं, ठीक है, तो लोगों को बनानी नहीं आती, लेकिन अगर आप उसमें अच्छे हैं बनाने में, ठीक है, आप बड़े अच्छे से बनाते हो उसको, ठीक है, तो लोग आपको ऑर्डर देते हैं कि हमारे लिए इस सीवी बनाते हो, फिर आप उसकी जो है ना पेमेंट लेते हो, ठीक है? इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आप एक नजर देख लेना, ठीक है? वीडियो एनिमेशन क्या होती है, जो प्रमोशनल वीडियो होती है, ठीक है, या आप एक जो है ना मतलब जैसे अभी जो है ना फाइवर है, ठीक है, आप चाहते हो कि मतलब मैं इसके लिए वीडियो बनाऊं, मैं आप बेशक आपको एक मिसाल दे देता हूँ, एक मेरे पास शायद एक वीडियो पड़ी भी हो, प्रमोशनल वीडियो जो मैंने बनाई थी व्हाट्सएप के ऊपर होगी, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो वीडियोस एंड ट्रांसलेशन वीडियोस इसमें आती है, ठीक है, ये एक प्रमोशनल वीडियो थी, ठीक है, ये विन होम वालों के लिए, ठीक है, शायद आप सबको नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये विन होम वाले थे, विन होम वाले क्या कर रहे कि इनका यूबीपीसी प्रोडक्ट्स के लिए जो है ना ये काम कर रहे थे, ठीक है। मतलब इनका क्या होता है कि जो खिड़कियां दरवाजे होते हैं ना, इन ये लोग ये चीज बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ना ये एक प्रमोशनल वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम लोग तकरीबन की सारे से मतलब क्या क्या चीजें हैं इसमें, इसके साथ साउंड में वो अभी मैं नहीं, तो ये सी चीज है, ठीक है, इसको कहते हैं वीडियो एंड एनिमिनेशन, ठीक है। एनिमिनेशन क्या होती है, एनिमिनेशन अलग चीज होती है, एनिमिनेशन बेसिकली बनता है आपके जो है ना उसके ऊपर ब्लेंडर के ऊपर, ठीक है, ब्लेंडर के ऊपर बनती है, और भी इस तरह बहुत सारे टूल्स है जिसके ऊपर एनिमिनेशन बनती है। एनिमिनेशन क्या चीज होती है, जो हम जिसको हम लोग GIF जिफ कहते हैं, ठीक है, जिफ चीज होते हैं, ठीक है। अब वो जो चीज होती है ना कि मतलब एक कैरेक्टर मूव कर रहा है, इस तरह की चीजें, तो वो इसमें आती है, एनिमेशन में आती है, ठीक है। और भी इसमें मुख्तलिफ चीजें, 3D प्रोडक्ट एनिमेशन और ये सारी चीज, ठीक है, कार्टून वगैरह जो होती है, ये सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। इवन कार्टून कैरेक्टर से मुझे चीज ज्यादा है, कार्टून कैरेक्टर जैसे कि हम लोग सेफ गार्ड की बात करें, ठीक है, वो एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो आप वो कैरेक्टर बनाते हो, ठीक है, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर जो है ना मतलब वो कर रहे होते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बना ली, कार्टून बना ली, वो तो फिर बात की बात है, आप सिर्फ उनको एक करेक्टर बना के देते हो, ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा म्यूजिक ऑडियो क्या होती है, आप में से मतलब शायद हो या ना हो जो वॉइस ओवर का काम कर रहे थे, वॉइस ओवर क्या चीज होती है कि आपको अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है, ठीक है, फॉर जब मैं अगर मैं कहूँ कि अगर आपको चाइनीज अच्छी है, चाइनीज, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको ऑर्डर्स मिलते हैं कि स्क्रिप्ट दिया जाता है कि हमें इसको चाइनीज में बोलना है, ठीक है, और रिकॉर्ड करके हमें भेजना है, ठीक है। तो वॉइस ओवर बेसिकली कर रहे, जैसे कि हम लोग डबिंग कह ले, ठीक है, जैसे ये मोस्ट इंग्लिश जो मूवीज होती है ना उसके ऊपर इंडियन से वो डबिंग की होती है, ठीक है, HDW जो ऐसे बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, डबिंग होती है, ठीक है, तो उसकी भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा बाकी इसमें ये कुछ नई कैटेगरी जैसे ये बड़े जो है ना मैंने बताया था कि फाइवर जो है ना वो अपने आपको बड़े अप टू डेट रख रहा होता है, ठीक है, तो नई नई प्रोडक्ट्स, नई नई चीजें वो लेके आ रहा है, ठीक है। तो अब ऑनलाइन म्यूजिक लेशन, ठीक है, अब ये क्या चीज है कि अगर आपको म्यूजिक अच्छा आता है, आप म्यूजिक से गा सकते हो, ठीक है, तो आप किस तरह से गाएंगे, वो इसमें अभी ये लोग कर रहे, ये देखो नई नई चीजें इसमें जो है ना वो, ठीक है।
प्रोग्रामिंग में भी, अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, आपको जावा C++ .NET C# कुछ भी आपको अच्छा आता है, तो आप यहाँ पे जो है ना सूटेबल है। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है, अगर जो है ना आपको एक जिस तरह जो हम लोगों ने कहा ना कि ये डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो ये बिजनेस क्या कर रहा है कि ये भी टाइम है। ठीक है, लॉग इन कर, ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कैटेगरी या कोई चीज समझ नहीं हो तो वो पूछ लें। सर क्वेश्चनिंग को एंड पे रहने दे, बीच में वो फिर गैप आ जाता है, वो अच्छा ठीक, समझ नहीं आया, दोबारा बोल सकते प्लीज? सर मैं कह रहा था क्वेश्चनिंग को एंड पे रखें क्योंकि वो बीच में गैप आ जाएगा, अच्छा जो मसला बनेगा रिकॉर्डिंग में गैप आ जाएगा। ठीक है ओके सही, क्वेश्चन तो हम लोग एंड पे करते हैं, एक क्वेश्चन आ गया लेकिन फिर मैं आपको एंड में समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा तो अभी हम लोग कर रहे हैं गिग क्रिएशन। ठीक है, गिग क्रिएशन की जब आपका ये डैशबोर्ड आपके सामने आ गया आपका, ठीक है, आपने करना है गिग्स के ऊपर क्लिक। ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे एक और भी ऑप्शन होता है, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपके जो एक्टिव गिग्स होते हैं ना वो यहाँ पे हो, ठीक है, होंगे। नेक्स्ट जो थे पेंडिंग अप्रूवल, मैंने बताया था जब आप एक गिग क्रिएट करते हैं और उसकी कैटेगरी थोड़ी सेंसिटिव होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले जाते हैं सर्वे के ऊपर, वो इसको जो है ना चेक करते हैं, उसके बाद अप्रूव करने के बाद फिर वो आपका एक्टिव होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन, अगर आपका आपका वो सेंसिटिव है, वो पेंडिंग में चला गया, पेंडिंग के बाद उन्होंने उसमें कोई चेंजेस की तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आपने मॉडिफाई करके जब भेजना है तो फिर उसके बाद एक्टिव होगी। ठीक है, ड्राफ्ट के ऊपर क्या होता है कि जो अभी आप बना रहे थे लेकिन आपने बीच में छोड़ दिया, ठीक है, डिनाइड, और डिनाइड ये होता है कि अगर आपके अप्रूवल से वो जो है ना ऐसा नहीं होता तो वो डिनाइड में चल जाएगा। ठीक है, और पास में क्या होता है कि आप मोस्टली अपने गिग को पास भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह करेंगे कि आप जब गिग आपका एक्टिव है ना, आप चाहते हैं कि मुझे इसके ऑर्डर नहीं मिल रहे और इसकी वजह से मेरी राइटिंग खराब होती है, तो आप उसको पास कर देते हो, ठीक है, डिलीट कर देते हो। तो ये जो ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें वो सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज जो भी, अच्छा अब गिग क्रिएशन की बात है तो क्रिएट ए न्यू गिग। ठीक है, अब ये जो गिग मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर करूंगा। ठीक है, ये साथ में पहले से लिखा होता है आई विल। ठीक है, आई विल फिर आप कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये चीज होगी। अब मैंने ये लिखा ना, ठीक है, इन्होंने मुझे खुद ही वो सजेशन दी थी। ठीक है, आप ग्राफिक एंड डिजाइन में लोगो डिजाइनिंग की बात करें या ग्राफिक डिजाइन में फोटोशॉप एडिटिंग की बात करें, ग्राफिक डिजाइन में अदर्स मतलब वो आप पे डिपेंड करें कि इसमें कोई और चीज हो जो यहाँ पे मेंशन ना हो। ठीक है, मैं खुद से भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, नहीं तो मैं इस पे अगर मैं कहूँ कि ना हाँ मैं इस पे जाऊंगा ना, तो देखो उन्होंने खुद ही मेरे लिए सिलेक्ट कर दी। ठीक है, वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं जो इन्होंने सजेशन दी है इसमें नहीं है, तो मैं खुद जाके करूंगा कि जी ग्राफिक एंड डिजाइन। ठीक है, और उसमें मैं जाऊंगा जी लैंडस्केप डिजाइन और ये सारी चीज इसमें है। ठीक है, प्रेजेंटेशन डिजाइन, फिर ये सारी मैं जाऊंगा जी, मैं जाता हूँ कि ग्राफिक फॉर ग्राफिक, ठीक है, पोस्टर डिजाइन, ठीक हो गया। अच्छा अब पर्पस सेलेक्ट द पर्पस ऑफ पोस्टर यू डिजाइन। ठीक है, अब मैं पोस्टर मतलब कौन से पोस्टर बनाऊंगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे सारे है। ठीक है, म्यूजिक कंसर्ट मूवी, ठीक है, मैं कहूंगा जी प्रमोशनल, ठीक और चलिए ठीक है प्रमोशन भी सही है। अच्छा अब टैक्स की बात आती है। टैक्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, टैग्स बेसिकली आप यूजर को यूजर के माइंड को देख के भी टैग्स लगाते हैं। ठीक है, एक यूजर क्या जो है ना सर्च करेगा कि मतलब वो जब वो सर्च करे तो आपका गिग जो है उनके सामने आ जाए। ठीक है, मतलब
अगर फर्स्ट में नहीं आता तो सेकंड थर्ड में आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पोस्टर, ठीक है। एंटर करूंगा तो ये देखो खुद से इसने किया, ठीक है। मैं कहूंगा डिजाइनिंग, ठीक है, डिजाइनिंग, तो एंटर करूंगा, देखो ये बेसिकली ये आपके हैशटैग्स होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा एक बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब अच्छा ये वैसे खुद भी आपको दे रहे थे, ठीक है। फोटोशॉप, फोटोशॉप, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखूंगा कि ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। कोशिश करें जो ये आपको दे रहे हैं ना आप उन्हीं को यूज करें, ठीक है। अगर तो आपको ये नहीं दे रहे, अगर आपको पता है कि नहीं मतलब मैं ये जैसे कि मैंने पोस्टर लिखा, ठीक है, ये इन्होंने मुझे सजेशन नहीं दी लेकिन मैंने खुद से लिखा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई लोग आते हैं ना तो वो पोस्टर जरूर सर्च करते हैं, मतलब पोस्टर डिजाइन और ये चीज, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट एक और चीज में आप मैक्सिमम 5 तक कर सकते हैं और मिनिमम 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और कर लेते हैं कि जी ठीक हो गया। 7 कंटिन्यू। अच्छा सम के ठीक हो गया, वैसे में कोई एरर आ गया। अच्छा आपका कोई एरर आता है ना तो ये आपको खुद ही बता रहा था कि आप यहाँ पे आपने उनकी चीज गलत लिखी या कुछ, ठीक है, तो वो जरूर इसमें किया करें। अच्छा अब यहाँ पे आ जाती है प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होती है कि आप जो है ना एक काम कितने पैसों में उनको करके दे रहे हैं, ठीक है। प्राइसिंग आपने स्टार्ट में जो है ना कम रखनी है, ठीक है। फिर जब आपका जो है ना आपका अकाउंट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें ऑर्डर्स वगैरह आ जाते तो फिर आप अपनी प्राइसिंग साथ साथ में इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए एडिट का ऑप्शन होता है आपके गिग के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा आप इसमें ना आप एक पैकेज भी रख सकते हैं, आप मल्टीपल पैकेज भी रख सकते हैं, जैसे कि 3 पैकेज, ठीक है। 3 पैकेज क्या होता है कि आप बेसिकली उनको बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 उनको वर्जन दे रहे हैं, ठीक है। इसमें फायदा होता है आपको, ठीक है। अगर आप एक पैकेज दे रहे हो ना, ठीक है, तो आपको जो भी ऑर्डर आ रहा है तो आप बेसिक के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन आपके 3 पैकेज होंगे ना तो अगर एक यूजर है कि उसको काम जल्दी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो है ना आपको आपको ऑर्डर आपको जो है ना वो प्रीमियम के ऊपर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको चीज ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप बेसिक है सिर्फ आपका तो वो बेसिक के ऊपर ही आएगा लेकिन आपसे काम जल्दी कराएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि पैकेजेस आप 3 ही रखें, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब बेसिक के ऊपर आप कह रहे हैं डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट योर ऑफरिंग, यू आर ऑफरिंग, ठीक है। आप क्या क्या जो है ना डिटेल्स दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूंगा कि अच्छा PhD बेसिकली ये होता है कि आप जब फोटोशॉप के ऊपर काम कर रहे थे ना जो PhD वो फाइल होती है जो एडिटेबल फाइल होती है, ठीक है, जैसे हम लोग मेन फाइल कह सकते हैं, ठीक है। ये जो जैसे कि अब ये है ना ये पिक्चर है आपका, ठीक है, लेकिन इसका एक PhD फाइल होता है, ठीक है, जो अभी आपके सामने है ना ये
ये बेसिकली एक इमेज है ठीक है, लेकिन इसका एक PhD फाइल होता है ठीक है, जैसे कि ये फोटोशॉप का ना इनका PhD फाइल होता है ठीक है, जिसको बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये है ठीक है, अब ये एक पिक्चर है ठीक है, जब मैं ये इनको दूंगा ना ठीक है, जो मेरा कस्टमर है तो वो इसको एडिट नहीं कर सकता ठीक है, बेसिकली इसके ऊपर मतलब मेरी कॉपी राइट होंगी ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाला देता हूँ ना, ये देखिए PhD, तो ये फाइल बेसिकली इस फाइल ने ये चीज बनाई है, तो वो इसमें अगर चेंजेस करते हैं, उसके किसी के पास PhD फाइल होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास ए टाइप ऑफ कॉपी राइट है ठीक है। ठीक हो गया, वो खत्म हो गया टेक्स्ट मोमेंट। डिलीवरी टाइम इधर मैं लिख लूँ, मतलब ये आप थोड़ा सा रिलैक्स बेसिक में करते हैं ठीक है, तो 5 डे डिलीवरी, इधर मैं कह रहा हूँ 3 डेज डिलीवरी, इधर मैं कर लेता हूँ विद इन 1 डे डिलीवरी ठीक हो गया। रिवीजन, रिवीजन क्या होता है कि अगर एक फाइल है ठीक है, जैसे सपोज ये वाला इमेज ठीक है, इस इमेज में वो कहते हैं कि जी ये जो लोगो है ना ये मुझे पसंद नहीं आया ठीक है, तो आप इसको चेंज करते हो ठीक है, तो चेंजिंग आप कितनी टाइम नंबर ऑफ चेंजेस उनको करके देंगे ठीक है, तो मैं कहूँ कि जी मतलब इसमें 2 हाँ ठीक है, इसमें 3 कर लेते हैं, इसमें अप टू 5 कर लेते हैं ठीक है। अच्छा एक मैसेज आया है, मुझे जरा पढ़ने दीजिए। ठीक हो गया। अच्छा कस्टम ग्राफिक्स मतलब जो है ना, अगर वो खुद कोई चीज जो है ना करना चाहे तो वो होगा कि नहीं ठीक है, चलो वो कर लेते हैं साथ में फोटो एडिटिंग ठीक है, सोशल मीडिया डिजाइन ओके, सोर्स फाइल हम लोग ने इन दो में देनी है और प्रिंट रेडी हम लोग ठीक है, यहाँ से प्राइसिंग सेट करते हो ठीक है, अप टू 5 डॉलर कर लेते हैं या अप टू 10 कर लेते हैं या टू 15 कर लेते हैं ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर हम लोग रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो भी पैकेज हो सेलेक्ट कर लें, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मुझे फास्ट डिलीवरी चाहिए ठीक है, तो आप यहाँ पे आप तीनों में से जो है ना आप कर सकते ठीक है, आई विल डिलीवर इन 1 डे, अगर आप एक दिन में करते विद एक्स्ट्रा हम लोग $10 लेंगे ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी 1 करता हूँ, इधर मैं 15 कर लेता हूँ ठीक हो गया। फिर ये बाकी भी चीजें ठीक है, सोर्स फाइल अगर वो चाहते हैं, इवन अगर बेसिस में चाहते हैं, अगर आपने इधर में किसी को भी आपने कहा कि हम सोर्स फाइल नहीं देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे सोर्स फाइल कर ले जो मैंने PhD के बाद की, तो आप वहाँ पे कर सकते हो एडिशनल जो है ना चार्जेस ठीक है। 7 कंटिन्यू। अच्छा मस्ट बी शॉर्ट, अच्छा सॉरी Thank you.
इसमें कोई इशू है. पैकेज एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन मस्ट बी शॉर्ट टर्म की डिलीवरी ऑप्शन. अच्छा ओके. No idea why error दे रहा है. Okay, then to 5-3 and 1. Package extra fast duration must be short in the delivery options. Package extra fast duration, extra fast duration. बेसिकली उसको रिफ्रेश करना था. चले खैर कुछ नहीं. प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें जी जी बिल्कुल आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप डाल सकते हैं क्यों नहीं डाल सकते. अच्छा ब्रीफ डिस्क्राइब अबाउट योर गिग. ठीक है आपने अभी गिग के बारे में बताना है कि आप बेसिकली कर क्या रहे. ठीक है तो आपने जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ओवरव्यू दिया था कि मतलब आई विल डू. ठीक है तो वो चीज होती है लेकिन इधर आपने थोड़ा सा एलिबरेट करना. ठीक है मिनिमम 120 वर्ड्स तक. ठीक है तो मैं कहता हूँ कि
एक्सक्यूज मी सर, अच्छा तो हम लोग यहाँ पे थे डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट, ठीक है कि मतलब अच्छा आप अभी रिक्वायरमेंट्स इधर पूछे, ठीक है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है अगर कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है तो मैं अगर रिक्वायरमेंट लिखू तो मैं कहूँगा कि अबाउट योर कंपनी, ठीक है अच्छा वैसे अगर आप रिक्वायरमेंट्स नहीं भी चाहते ना तो आप रिक्वायरमेंट्स नहीं भी ऐड करते, ठीक है लेकिन मैं कहूंगा कि जी मुझे चाहिए पिक्चर्स, ठीक है जो जो पिक्चर्स हैं मुझे वो चाहिए एंड यहाँ पे जो है ना आप आते हैं ना, ठीक है उसमें देखिए किस्म किस्म के मसले होते हैं तो कोशिश किया करें कि आप जो है ना इसमें अपना ही ऐड करें, ठीक है वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं, वीडियो में ऐड करूंगा नहीं क्योंकि उसमें जो है ना बहुत सारे मसले मसाले होते हैं। ठीक है यूजेड योर गिग इज लाइव नाउ, ठीक है अब अगर मैं कहूंगा जो है ना अपने गिग्स के ऊपर जाता हूँ, देखिए मेरे एक्टिव 5 के हो गए, ठीक है अभी तक 4 थे अब 5 हो गए, ठीक है और अभी देख लेते हैं लोड होने दे थोड़ा सा। ठीक है जी आ गए जी मेरा गिग साहब, ठीक है अब इसके ऊपर मैं ऑर्डर्स किस तरह लेता हूँ तो ऑर्डर्स के लिए आप जाएंगे मोर बाय रिक्वेस्ट, ठीक है अच्छा ये वैसे ऐसे नहीं था कि मतलब स्ट्रेट अवे आपको जो है ना वो आनी शुरू, ठीक है मतलब कुछ देर तक जो है ना मतलब 1 घंटे या शायद 1 घंटे लग जाए, ठीक है उसके बाद जब आपको ना यहाँ से एक्टिव देखना शुरू हो जाएंगे कि हाँ मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का अगर कोई आता है ना, ठीक है तो आप खुश हो जाएंगे, ठीक है अभी जो मुझे आ रहे होंगे ना वो बेसिकली जो मेरे पुराने गिग्स है ना उसके ऊपर जो डिटेल्स है वो आ रही होंगी, ठीक है बल्कि ये देखो आ भी गए, ठीक है आई एवरीवन आई नीड सम गुड वर्क ऑन फोटोशॉप यू ड्रॉ द एक्टिव इमेज फॉर मी प्लीज नोट दैट, ठीक है ये चीजें आप पढ़ लेंगे मतलब जो है ना अब देखो ना इसने पहले से मेंशन किया कि आई नीड अ पीएचडी, पीएचडी वो फाइल जो एडिटेबल होती है, ठीक है तो वो मुझे चाहिए तो
देखिए इसने जो है ना पहले से कुछ भेजा है कि मतलब ये वाला काम इसको चाहिए, ठीक है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, सॉरी फॉर दैट। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा ये अभी डाउनलोड होगा तो वो पिक्चर देखते हैं कि बेसिकली इसका जो है ना वो रिक्वेस्ट मतलब क्या चाहती है, इसमें क्या अटैच है वो चीज। अब इसको रिक्वेस्ट कैसे करना है, सेंड ऑफर, ठीक है। अब इसके $5 का एक है, ठीक है। तो अब मैं देखिए मेरा एक ये आपको ना अपने सारे वो जो करंट गिग से उसके ऊपर आप वो आपको दे देते, ठीक है। मैंने अभी ये बनाया तो मैं इसके ऊपर उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा, ठीक है। टोटल अमाउंट इसके $5 है, तो $5 का डिलीवरी टाइम हाँ 1 डे ही कर लेते हैं। नंबर ऑफ रिवीजन में कहूँगा कि जी नंबर ऑफ रिवीजन आप 3 तक कर सकते हैं। आज की रिक्वायरमेंट जो उधर मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, अगर वो आप चाहते हैं कि हाँ वो चीज़ हो या ना हो, अगर मैं चाहता हूँ कि ना हो तो मैं ऑफ कर देता हूँ, अगर हो तो मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। नहीं अच्छा कस्टम ग्राफिक डिजाइन मैंने तभी मतलब रेंडम में कुछ लिखा, ठीक है। आपने ये चीज समझ के, ठीक है, जो चीज है, ठीक है, और उसके लिहाज से आपने बोलना है कि हाँ ये चीज जो है ना मैं इतने में करके दे रहा हूँ और ये चीज है, आप प्रॉपर डिटेल देंगे, ठीक है। अभी असल में हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, इस वजह से मैंने बस जल्दी जल्दी लिख लिया, ठीक है। सबमिट ऑफर, ठीक है, ऑफर इसको सेंड हो गया, ठीक है। आपका ऑफर यहाँ पे शो होगा, सेंड ऑफर, जो जो ऑफर आपने भेजी, ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो हो रही, ठीक है। मैंने 87 भेजे हैं 2015 से लेकर अभी तक, ठीक है, 2017 से, सॉरी इस अकाउंट में। जो दूसरा अकाउंट था वो तो इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उसमें वजह यही थी कि मतलब अच्छा आपको मैं बता दूं कि आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है, ठीक है। उसकी होने की वजह ये क्योंकि मतलब मैंने खुद फेस किया, पता है क्यों, क्योंकि जब आप सर्वर, पता है क्या चीज है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा चेक लगाए हुए, ठीक है, हर एक चीज के ऊपर है ना आपके चेक लगा हुआ है, ठीक है। कि जैसे कि सपोज अगर आप कुछ लिख रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी इसको ऑफर दिया, ठीक है, इसे मैंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की ना, ठीक है, तो इस स्ट्रेट में मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। या अगर मेरा जो ब्लॉक हुआ तो इस वजह से हुआ था कि हम दो बंदे सेम जो है ना जो हमारा अकाउंट था उसके ऊपर हम लोग काम कर दे, ठीक है, या ये वजह हमारे देश से होती है। आपका बंद होने की दूसरी वजह ये होती है कि अगर आप एक लैपटॉप के ऊपर ना, ठीक है, आपका जो बेसिकली काम हो रहा है वो आईपी की बेस पे हो रहा था, ठीक है, जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही थी, तो अगर एक आईपी से मल्टीपल जो है ना अकाउंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी उसकी वजह से ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो है ना एक ही अकाउंट यूज किए करें, ठीक है। अगर दूसरा अकाउंट यूज करना भी है, ठीक है, तो वो कोशिश करें कि आप दूसरा लैपटॉप या दूसरे मोबाइल या किसी और उस पे जो है ना मीडियम पे यूज करें, यहाँ पे ना करें, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, अब देखिए मेरा अभी कुछ नहीं है, ठीक है, अभी क्योंकि मेरे ना कोई इतनी वो है, ठीक है, अर्निंग या कुछ, तो अभी मुझे कोई इशू नहीं, मैं मतलब दो अकाउंट भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इससे। लेकिन जैसे आपकी अर्निंग इंक्रीज होती है, ठीक है, आपको जो है ना रिक्वेस्ट आना ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, तब जो है ना आप उनकी नजर में आएंगे एंड देन यू विल बी ब्लॉक, ठीक है। तो कोशिश करें कि इस चीज का बड़ा ध्यान रखें, ठीक है।
ये भी चलो। अच्छा इधर तक जो है ना ये चीज हो गई। अभी अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ है तो वो बता दे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, अभी बहुत ज्यादा चीजें हैं, अभी बहुत एडवांस लेवल पे जाना है। अभी तो हम लोगों ने जो काम किया है बेसिक, सिर्फ हम लोगों ने गीक क्रिएशन तक की हम लोगों ने काम किया, ठीक है। इससे आगे जो माइलस्टोन्स हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने मतलब अर्निंग आपकी हो गई, आप इस अर्निंग आपने बनाना है, ठीक है, इस अर्निंग को हमने यूज किस तरह करना है, वो सारी चीजें। फिर जो है ना फिर इसमें जो है ना आपकी वो हो जाती है कि ठीक है यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन सेमेंटेनेंस के आप और कौन कौन से टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिससे इससे तो अर्निंग बेसिकली आपको तब होगी जब आपको रिक्वेस्ट आएंगे, लेकिन आपका ऐसा कौन सा एक है कि अगर आप यहाँ इसके साथ साथ आप वो काम भी कर सकते, जैसे कि हम लोगों ने फ्रीलांसिंग की बात की, जैसे हमने यूट्यूब की बात की, ठीक है, जैसे और, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है मैं जिधर अभी जॉब कर रहा हूँ करंटली, ठीक है, वो भी मुझे फाइवर के थ्रू ही मिला, ठीक है। जो ये कंपनी है एडवर्टाइजमेंट कंपनी, ठीक है, इनकी ने मुझे रिक्वेस्ट भी की कि मतलब हमें जो है 14 अगस्त के लिए हमें कुछ पोस्टर्स चाहिए, ठीक है। इन्होंने मुझे लोगो सेंड कर दिए, मैंने इनके लिए बना दी, जैसे कि मैंने इनके लिए ये बनाया था, ठीक है, ये था एक और दो तीन थी, ठीक है, तो मैंने इनको बना के दी थी। तो फिर क्या हुआ कि जैसे कि ये इनको मैंने बना के दी थी, ठीक है, तो ये होने के बाद फिर इन्होंने मुझे एक और ऑर्डर दिया, जिसके ऊपर मैंने इनको ये बना के दी थी, ठीक है। आप मतलब सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको वहां तक भी जॉब मिलती है, ठीक है। इधर तक काम करने के बाद इन्होंने मुझे ऑफर की कि आप हमारे साथ जॉब करें, ठीक है। इन्होंने मुझे बुलाया, अभी मैं इस्लामाबाद में इनके साथ जॉब करूँगा, ठीक है, ये जितनी काम पड़ूंगा, ठीक है, ये मेरे सिर्फ एक हफ्ते का काम है, ठीक है, इनके साथ। तो ये चीज है कि आपको यहाँ पर मतलब इतना ऑफर है कि आपको जॉब तक भी ऑफर आ सके, ठीक है। तो कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा काम करें, जो भी आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, आप उनको अच्छे से अच्छा डिलीवर करें, तो फायदा आप लोगों का ही है, ठीक है। अच्छा अब जिनका कोई क्वेश्चन है या जिनको कुछ समझ नहीं आया वो प्लीज है ना बता दीजिए। स्टेप कौन सा? स्टेप तो ये था कि हम लोगों ने मतलब जितना काम किया है, मतलब जो पब्लिशिंग तक हम लोगों गिग पब्लिश हुआ, उसके बाद हमारे पास, अच्छा ये बेसिकली पता है क्यों मुझे इशू हुआ ये रिक्वेस्ट, ठीक है, जो अभी मैं जिसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी, ये पता है क्यों इशू हुआ? क्योंकि जैसे ही मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है, अभी इसको देखो करंटली अभी सिर्फ 6 ऑफर हुई, ठीक है, अभी मेरे सामने ये 6 हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने गिग पब्लिश पब्लिश कर दिया उसके बाद ही किसी ने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, रिक्वेस्ट उसने भेजी और फौरन जो है ना उसने मुझे शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जब रिक्वेस्ट आएंगे ना वो मुझे ना शो होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले जल्दी से, क्योंकि 3 बजे आई थिंक दूसरी क्लास स्टार्ट होती है, तो फिर सुन से वहां दर्शन करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं गिग्स में ये पैकेजेस सेट करने गई तो मुझे उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, एक पोस्टर मेकिंग के लिए और एक फोटोग्राफी के लिए, उसमें हम क्या क्या पैकेजेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, आप मुझे जरा उस चीज के लिए गाइड कर दें। सॉरी आप किस दोबारा कर लीजिए प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि जब प्रेजेंटेशन मेकिंग के लिए और फोटोग्राफी के लिए जब हम गिग्स क्रिएट करते हैं तो उसमें जब पैकेजेस पे आते हैं पेमेंट के लिए, उस पैकेजेस में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स या कौन कौन सी डिमांड्स हम कर सकते हैं उसमें, मतलब वो जो रिक्वायरमेंट है वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि उसमें मैं क्या करूँ, उसमें क्या क्या इंक्लूड करूँ उसमें। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन आपकी मल्टीपल टूल्स के ऊपर बनती है, ठीक है, आपको शायद पता हो या ना हो, सिर्फ जो है ना हम लोग मोस्टली जो है ना उसके ऊपर काम कर रहे हैं जो हमारे पास एमएस वर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास बहुत सारे टूल्स है ऑनलाइन, ठीक है। मैं अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, मैं पहले उसके ऊपर काम, ठीक है, तो उसकी वो असल में पेड है, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ता है, आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए फ्री बना सकते हैं लेकिन आपको मोस्टली पे करना पड़ता है, ठीक है। अब जब आप उस टूल के ऊपर बनाते हैं ना, ठीक है, तो वो जो चीज होती है ना वो बहुत एक हाई क्वालिटी की होती है, ठीक है, तो आपको उसके पर पैसे ज्यादा लेने पड़ते हैं, ठीक है। मैं बल्कि मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे कहीं से मिल जाए ना वो जो मैंने बनाया था प्रेजेंटेशन, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब जो है ना चीजें बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है, तो आपको मल्टीपल टूल्स के ऊपर आप उनके वो कर सकते हैं। दूसरी जो चीज होती है कि आप जो है ना जैसे कि एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, आप उसकी जो स्लाइड्स होती है ना आप रिटन में कर रहे होते, ठीक है, आप
उस रिटन को आप जो है ना ग्राफिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज ये वाला एक जो अभी है, ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के लिए जो है ना बना रहे, ठीक है, तब ये एक चीज है ना, ठीक है, ये अब आपको बनाना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आप इसको एज अ उसमें भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफिक में, ग्राफिक में बनाते हैं आप इसको, प्रेजेंटेशन भी लग सकते हैं। लेकिन आप पता क्या चीज़, जैसे कि आपने ये इंट्रोडक्शन दे दिया, अब नेक्स्ट आपने ना एंड्रॉइड को डिस्कस करें, ठीक है, तो एंड्रॉइड के लिए अलग एक स्लाइड बनेगा जिसके ऊपर आप मल्टीपल कुछ इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है, फिर आपके पास वेबसाइट के लिए अलग बनेगा, ठीक है, लेकिन आप इसको ग्राफिकली बना रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेराइटी है प्रेजेंटेशन में जो आप उसमें डाल सकते हैं और पैकेज में डाल सकते हैं। तो ये जो है ना, मतलब आप प्रेजेंटेशन के ऊपर ना आप एक काम करें, थोड़ा सा ना आप ये देखें कि आप प्रेजेंटेशन कौन कौन से टूल्स के ऊपर बना सकते हैं और मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस आप देख ली, ठीक है, जो मतलब बनी हुई है, ठीक है, जो ऑनलाइन मौजूद है अभी, ठीक है। मुझे असल में उस टूल का नाम नहीं याद आ रहा, मैं वो टूल का नाम बल्कि आपको मैं ग्रुप में ही वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो बहुत ही एक जो है एडवांस लेवल की वो प्रेजेंटेशन, जैसे कि आपका एक पार्ट होता है वो जूम होता है, फिर वो उधर से जूम आउट होके फिर जूम आउट होके फिर एक दूसरी स्लाइड पर जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि एक वीडियो चल रही है, ठीक है, वो बहुत ही एक जो है ना मजे का वो कर रहा होता है। तो ये चीज ही है, आप इसको देख लेना, आप इसके बेस पे जो है फिर मल्टीपल पैकेजेस दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा आप कह रहे थे कैटेगरी? सर फोटोग्राफी का मैं पूछ रही थी कि मैंने जो मैंने गिग्स देखे हैं ना बाकी लोगों के ऑफर्स वगैरह, उसमें यह है कि वो प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी का बोला होता है, लेकिन अगर हम हमारे पास ऑप्शन हो या मतलब हम खुद फोटोग्राफी या अपने फोटो सेल करना चाहें, जो जो हम पिक्चर फोटोग्राफी करते हैं वो पिक्चर्स हम सेल करना चाहें, जैसे मैक्रो फोटोग्राफी आ जाती है उसमें या नेचर की फोटोग्राफी आ जाती है, तो उस चीज के लिए हम कैसे ऑफर दे सकते हैं? अच्छा, ये वैसे देखना पड़ेगा क्योंकि फोटोग्राफी के ऊपर मैंने अभी तक नहीं बनाया कोई गिग, तो मुझे इसका कोई इतना आइडिया है नहीं, लेकिन पिक्चर सेलिंग के लिए ना आप हाँ वो ऑनलाइन जो होती है ना उनको ना यूज किया करें, जैसे कि अभी आप मैंने की सिनेमा फोटोज ऑनलाइन तो वो हजारों वेबसाइट जाती है, लेकिन उसमें ये चीज हो जाती है कि वो आपके पिक्चर्स तो ले लेते हैं लेकिन आपको नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो है ना ये चीज बता दूंगा, मैं असल में जब एक दफा खुद देखूंगा तो मैं आपको बेहतर बता सकूंगा, क्योंकि मैंने फोटोग्राफी के ऊपर जो है ना अभी तक गिग नहीं बनाया, ठीक है, तो मैं गिग बना के फिर आपको बताऊंगा कि हाँ आप इस तरह सेल कर सकते हैं, ठीक है। Excuse me, sir. PSD file का दोबारा बता दें प्लीज। अच्छा, PSD फाइल ये चीज होती है ना जो आपकी एडिटेबल फाइल होती है, जिस फाइल को आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये फाइल है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फोन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं फोन नंबर को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे फोन नंबर, ठीक है, ये देखो ना मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जो ये पिक्चर है ना, जैसे कि देखिए भाई, अच्छा एक मिनट, ठीक है, अब ये पिक्चर है, ठीक है, इसमें मैं अब एडिटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, नंबर यहाँ पर लिखा होता है ना मैं उसको एडिट नहीं कर सकता, ठीक है, या इस नंबर को मैं आगे पीछे नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे जो डिजिटल शार्क का लोगो लगा है ना, ठीक है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, इसको मैंने चेंज कर भी दिया, मैंने कोई और लोगो लगा भी दिया, ठीक है, और जो है ना मैंने अपलोड कर दिया किसी जो है ना एड के ऊपर, फेसबुक एड के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर भी, तो जो डिजिटल शार्क वाले है ना, ठीक है, तो वो मेरे ऊपर कंप्लेंट कर सकते कि आपने हमारे डिजाइन क्यों यूज किया, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास PSD फाइल होगी ना, ठीक है, ये वाली, ठीक है, तो इसका मतलब है ये काम आपका अपना है, अगर वो आपके ऊपर कंप्लेन करते हैं कि आपने हमारा काम क्यों यूज किया, ठीक है, तो आप जो है ना फिर ये चीज अगर आपके पास होगी ना तो फिर वो आपके ऊपर कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज होती है। तो ये बेसिकली PSD फाइल होती है जिसकी जिसमें आप चेंजेस कर सकते, ठीक है, देखिये ये जैसे कि ये वाला है ना, ठीक है, इनका ये एक पिक्चर है, ठीक है, इसका ये साथ में मेरा PSD फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ ना, ठीक है, तो ये देखिए ये मैं अब इसको चेंज कर सकता हूँ, ये शायद दूसरी ओपन हो गई, ये है, ठीक है, तो मैं इसमें देखो ना आप चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका PSD फाइल होता है जो एडिटेबल फाइल होती है, या अगर हम लोग वो कर लेके जो आपके पास वर्ड होता है, ठीक है, MS Word, ठीक है, MS Word में देखो इनेबल एडिटिंग का जो ऑप्शन होता है, ठीक है, आप उसके ऊपर इनेबल, अगर आपने उसके ऊपर इंक्रिप्शन लगाई हुई है ना, ठीक है, तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल फाइल होती है ना, बेसिकली टाइप ऑफ ओरिजिनल फाइल होती है, तो अगर आपके पास ओरिजिनल फाइल होती है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं,
तो ये फोटोशॉप के लिए PSD फाइल यूज होता है, और इस तरह जो है ना जो .NET होता है उनके लिए जो है ना, और उसके लिए क्या होता है, एक मिनट जो इंस्ट्रक्शन बताता हूँ आपको, जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ना, जैसे सी का .C होता है, ठीक है, जावा का .java होता है, ठीक है, तो ये चीज होती है इसमें। हाँ, इसका SLN होता है, ठीक है, जो .NET का होता है वो SLN होता है, तो ये चीज होती है। फिर आप देख लेना कि आपके जो है ना, आप जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो उसका क्या है, ये बेसिकली एक्सटेंशन की बात हो रही है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर, मुझे पूछना था कि जो ये अभी आपने दिखाई है ना पिछले वाले पोस्टर में, यही जो टूल्स है ये हम लोग MS ऑफिस में, सॉरी जो पावर पॉइंट है उसमें अगर हम यूज करते तो कोई उस पे तो नहीं करेगा कंप्लेन कि ये हमारी चीज है या ये हमारा लोगो है, ये आपने यूज किया है? और पॉइंट की बात कर रहे हैं आप? यस सर, ये जो अभी आप दिखा रहे हैं ना, ये जो लोगोस हैं, ये पावर पॉइंट में भी होते हैं ना, तो अगर हम ये यूज करते हैं तो उस पे तो कोई कंप्लेन नहीं आएगी? नहीं, बेसिकली ना आप किसी और का काम उठाते हैं, ठीक है, जैसे कि अब ये जो है ना, मैं आपको आगे दिखा दूं, ये डिजाइन जो है ना बेसिकली मैंने उठाया है यहाँ से, ठीक है, लेकिन अब देखिए ये डिजाइन अलग है और ये डिजाइन, मतलब देखो डिजाइनिंग की अगर बात करें ना, तो डिजाइनिंग अगर आप खुद से करने बैठ जाते हो ना तो वो उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। मैंने अब देखिए इनकी पिक्चर उठाई है और उसकी पिक्चर को मैंने मॉडिफाई किया हुआ, ठीक है, तो अब अगर वो ये लोग कहते हैं ना कि आपने हमारा काम यूज किया ना, तो ये लोग नहीं कह सकते क्योंकि मेरा काम इनसे मतलब बहुत डिफरेंट है, ठीक है। एक तो अंदर जो इसके अंदर मैंने जो ये वेक्टर यूज किए हैं वो अलग है, ठीक है, फिर बाकी जो है ना, बाकी काफी चीजें हो जाती है, मतलब आप उसमें चेंजेस कर लेते हैं तो फिर कोई कंप्लेंट नहीं, ठीक है। तो मतलब ये चीज बेशक दूसरे का काम यूज करें लेकिन उसको ऐसे चेंज करें ना कि कोई आपके ऊपर कंप्लेंट ही ना कर सके। जी जी सही सर, अगर जिस तरह से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें पिक्चर्स भी हमने इन्वॉल्व करनी होती है ना, वो जब हम इंक्लूड करते हैं उसके अंदर, तो उस पे तो कोई कंप्लेन नहीं आ सकती। और सेकेंडली ये कि अगर हम जो है ना कोई गिग बनाते हैं लेकिन उस पे हम एनक्रिप्शन कर देते हैं, यानी कोई उसको लॉक कर देते हैं, कोई उसको चेंज ना कर सके, तो ये तो हम कर सकते हैं, यानी हम उनको अलाउ ना करें कि वो फिर बाद में उसमें चेंजेस कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, और उसको हम ऑफर में इस तरह से, जी जी, और उसको हम ऑफर में इस तरह से इंक्लूड करें कि उसके लिए जब ये लोग पे करेंगे तभी हम इनको अनलॉक्ड वर्जन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही होता है। और जो आपने प्रेजेंटेशन की बात की ना, प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, वो मोस्टली ऐसा नहीं होता कि मतलब वो पब्लिश कर रहे होते, ठीक है, जैसे कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें ना, तो ये वाला जो अभी मैंने दिया है ना, ये पब्लिश होने वाला है फेसबुक के एड के ऊपर, ठीक है, और शायद इंस्टाग्राम पे भी ये लोग करें पब्लिश, ठीक है। अब अगर ये चीज है ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि आप इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जब मार्केटिंग के ऊपर आ जाती है ना, या आप वीडियो एनिमेशन की बात करें, तो वहां पर आपको यूनिकनेस लानी पड़ती है, आप किसी और का काम नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रेजेंटेशन होती है ना, बेसिकली क्या होता है कि आप एक कंपनी की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या उधर प्रेजेंटेशन होगी खत्म, मतलब वो कभी पब्लिश नहीं होती, ठीक है। तो उसमें अगर आपके जो है ना, आप किसी और का काम भी यूज करते हैं ना, तो उसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो आप जो काम आपका अपलोड होने वाला है एज अ फेसबुक पे, आप कर सकते हैं। लेकिन सर आपने बात की, जी जी बोले आप। मैंने इस तरह से देखा है कि अक्सर लोग जो है ना, यही जो प्रेजेंटेशंस होती हैं इनकी वीडियोस बना के मतलब यूट्यूब पे उसको अपलोड कर देते हैं या अपने नेम के साथ पब्लिश कर देते हैं, तो हम उस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे? वाटरमार्क लगाएं, ठीक है, वाटरमार्क पर किस तरह लगाना है, इस पिक्चर में भी वाटरमार्क लगा हुआ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा शो करता हूँ, एक मिनट, ये जी है, ठीक है, मैंने उसको बहुत ही लाइट लगा हुआ, ठीक है, देखिए मतलब वो नजर ना आए, लेकिन बेसिकली इसके ऊपर देखिए, ये रहा आपका वाटरमार्क, ठीक है, ये वाटरमार्क, वाटरमार्क जब होता है ना, ठीक है, तो ये बेसिकली ये शो कर रहा होता है ये आपका काम है, ठीक है। अगर मैं इसको जो है ना नहीं लगाता, ठीक है, तो कोई भी इस चीज को यूज कर सकता है, ठीक है।
सही 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 सही। अच्छा सर मुझे दो क्वेश्चंस और हैं। एक ये कि जो आपकी जो फर्स्ट लेक्चर था वो मैंने सुना था, और उसमें ये था कि आपने जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे उसमें था कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है और वो दे दे तो उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर काउंसलिंग अगर होती है तो वो तो ऑनलाइन होती है या इसमें फाइवर पे क्या कोई इस तरह सीन है, कोई ऐसी फैसिलिटी है कि उसमें हम ऑनलाइन काउंसलिंग करें या कैसे होगा वो? काउंसलिंग वो ऑनलाइन ही होती है, ठीक है। आपके पास मतलब जो फ्रस्ट्रेटेड होता है ज्यादातर ये जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, या जो है ना जो लेडीज होती है जिनको कोई टेंशन वगैरह होता है, ठीक है, तो वो आपको ना मतलब पे कर रहे थे कि आप उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग करो, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप उनके घर जाके उनको काउंसलिंग करो, ठीक है, मतलब कोई अमेरिका बैठा है कोई कहाँ, तो आप उनको बेसिकली अच्छा ऐसे भी होते हैं कि मतलब लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमसे बातें करो, ठीक है, इधर तक मतलब लोग होते हैं, ठीक है, कि आप सिर्फ हमसे बातें करो ताकि हम मतलब रिलैक्स फील करें, ठीक है। नहीं आ रहा, अच्छा एक मिनट में देखता हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है ना कुछ प्रोजेक्ट्स देखे थे, किए नहीं थे लेकिन देखे थे, एक मिनट। तो सर वो जो चैट बॉक्स है वो इसी फाइवर पे ही होगा या वो हमें कहीं और बुलाते हैं या हमें कहीं और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करना होता है उसके लिए? वो देखो वो आपका पता है कि आपने उनको जो है ना काउंसलिंग कर दी, बेशक आप स्काइप के थ्रू कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, आप गूगल के थ्रू कर रहे हैं, आप जिस टूल्स को भी यूज किया, ठीक है, लेकिन आपने जैसे सबमिट कर दिया ना वहां पे, ठीक है, वहां से वो लोग जो आपका क्लाइंट होते हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको जो है आपको पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। सही है फिर, ठीक है। और सर एक और चीज ये कि जो जो आपने अभी आज की सेशन में बताया कि लाइफस्टाइल में जाके हम आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो सिलेक्ट करके कर सकते हैं, तो हम एज अ आर्टिस्ट कैसे काम कर सकते हैं उस पे? लाइक हम वीडियोस देंगे या उनको हमने गाइड करना है या हम लोग ऑर्डर्स हमें दे सकते हैं और हम उनको चीज डिलीवर करें, वो पूरा किस तरह का प्रोसीजर होता है, मुझे उस चीज के बारे में जानना है। सपोज हम लोग बात करेंगे पेंटिंग की बात करें, ठीक है, अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे लिए स्केच बनाओ या पेंटिंग बनाओ, ठीक है, आपने स्केच बना दिया, पेंटिंग बना दिया, आपने उसको अपलोड कर दिया, उसको पसंद आया, फिर आपने उसको भेजना होता है, ठीक है, लेकिन वो आपको इस चीज की पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, साथ में कि अगर आपने उसको भेजना है सपोज टीसीएस के ऊपर भेज रहे, उसके ऊपर जितना खर्चा है ना तो वो आपने वो ही पे करेगा, ठीक है, इस तरह होता है। या जो है आपने कोई और इस तरह कोई काम किया, ठीक है, या अगर वीडियो शीडियो बनाई वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली काम करके उनको दे रहे हैं ना तो फिर आपको बेचना होता है और फिर भेजना होता है, ठीक है, तो फिर वो उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं आपको साथ साथ में, ठीक है। मैं जरा ये उसका देख लूं, अच्छा और किसी को भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, टाइम कम है, मैं इनका जरा ये देखता हूँ। अच्छा ठीक है, ये देखे ना आपको ये उसमें रिलेशनशिप एडवाइस आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, या जो है ना स्पिरिचुअल इंक्रीजिंग भी है, आपने ठीक है, इन दोनों में से आपको जो जिधर आपका फिट बैठ रहा है, ठीक है, ये आपने ना ये एक दफा आप इनकी केक्स पढ़ लेना कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इन लोगों ने कहा, ठीक है, आई विल डू थेरेपी माइंड रीडिंग, एनी टाइम हमारे पास कम है
इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना प्रॉपर जो है ना अब उस चीज के ऊपर मूव करेंगे कि हम लोगों ने अब के जो है ना आपने रिक्वेस्ट भेज दिया, आपके पास रिक्वेस्ट आती है, आपने एक्सेप्ट करनी है तो किस तरह एक्सेप्ट करनी है ये चीज, दूसरा आपने डिलीवर किस तरह करना है वो दूसरी चीज, तीसरी चीज ये हो जाएगी कि आपके पास जो है ना आपने अर्निंग आ गई उसको अब आपने विड्रॉ किस तरह कराना है, ठीक है, आपने अकाउंट किस तरह बनना है, ठीक है, जो आपके पेपाल का अकाउंट होता है, वो तीन चीजें नेक्स्ट जब ये शायद हमारे नेक्स्ट सेशन में आ जाए, लेकिन आगे हमारी चीज हम लोगों ने अब टूल्स के ऊपर भी काम करना है, ठीक है, फाइवर हमारे पास बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन इसमें जो आपको ऑर्डर्स देते हैं वो थोड़े से जो है ना उसमें टाइम लगता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा फुली उस चीज में आने में, ठीक है, कि आप एक अच्छा जब आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू होता है लेकिन उसके बाद अच्छे होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप और कौन कौन से टूल्स के ऊपर काम कर सकते हैं जिससे आपको इंस्टेंट अर्निंग हो सकती है, ठीक है, और ये चीज होगी हम अपवर्क के ऊपर जाएंगे, हम लोग फ्रीलांसर के ऊपर जाएंगे, हम लोग यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, हम लोग जो है ना उसके ऊपर मूव करेंगे, क्या कहते हैं उसको, बाकी जो टेक्निकलिटीज है जो अभी असल काम आने वाले हैं वो हम लोग इंशाल्लाह अगले अच्छे से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी पूछिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सो देन वी विल एंड द लेक्चर। सर एंड कर दो सर। बस तकरीबन किसी को क्वेश्चन तो ठीक है आप एंड कर सकते हो। ओके सर, लव यू।